नमस्कार। इस समय आप जो लाइव दृश्य देख रहे हैं, ये एक एक्सीडेंट हुआ है, भीषण एक्सीडेंट हुआ दो मेटाडोरों के बीच में। और ये मेटाडोर जो है, इस समय आप देख रही है गाड़ी जो लेकर जाते हुए JK02AS1363, ये बिल्कुल जो एक्सीडेंट हुआ दो मेटाडोरों के बीच में। और जिस तरह से आप जानते हैं, जब भी मेटाडोर सड़कों पर दौड़ती है कितनी तेजी से दौड़ती है, यानी एक दूसरे की इस चामे के मेरी सवारी ज्यादा हो और उसकी सवारी ज्यादा हो। फिलहाल ये कहेंगे एक्सीडेंट हुआ दो मेटाडोर को, एक मेटाडोर को ले जा चुका है और दूसरी को ले जाने की यहाँ क्रेन के माध्यम से देखे या ले जाया जा रहा है। पर शुक्र है भगवान का कि कोई जानी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चोटें आई हैं पर इतनी गंभीर चोटें नहीं आई। फिलहाल आप देखिए ट्रैफिक पुलिस भी यहां पर पहुंचे हुए और इस समय के जो दृश्य और इस क्योंकि यहाँ पर काफी देर से ट्रैफिक जाम था। जब हमने आगे आकर देखा तो ये ट्रैफिक जाम की वजह यही था कि एक रिहाड़ी चुंगी पर बिल्कुल यहाँ पर रोड के ऊपर ही ये जो आपको दो मेटाडोरों के बीच में एक टक्कर हुई है और काफी जोरदार टक्कर हुआ है, जिसके आप मेटाडोर की हालत देख सकते हैं। आगे का शीशा जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त, आगे की जो बॉडी है पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और दो मेटाडोरों के बीच में जो बताया जा रहा है कि जो टक्कर हुई है, एक मेटाडोर को तो फिलहाल ले जाया गया है और दूसरी को अभी यहाँ से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। और इस समय गाड़ी जो मेट्रोर का नंबर JK02AS1363 और इस समय देखिए शीशे भी पूरी तरह से गाड़ी के जो चिकनाचूर हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इस समय के दृश्य आप देखते हैं, जब भी इस तरह के हादसे होते, कई बार लोगों की भी शिकायतें होती है कि मेट्रो जब सड़कों पर उतरती काफी तेजी से मेट्रो ड्राइवर चलते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा निरंतर होना चाहिए क्योंकि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। शुक्र है भगवान का कि सवारियों को कोई हानि नहीं पहुंची, पर ये जो हादसा इस समय देख रहे हैं आप, मेट्रो रोड की दिशा देखकर आप बता जान सकते होंगे कितनी जोर से इन दोनों मेट्रो रोडों की टक्कर हुई होगी। एक को फिलहाल ले जाया गया और दूसरी इस समय ले जाने का देखिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि काफी देर से पीछे ट्रैफिक जाम था, तो जब हम ट्रैफिक में हम भी फंसे थे थोड़ा आ गया तो हमने देखा कि एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। और ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा होता कई लोगों की जाने भी जाती, क्योंकि जब भी हम ये कहेंगे कि मेट्रो रोड खास करके मेट्रो रोड ड्राइवर जो हैं इन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि ये खुद दूसरों के साथ अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। और काफी तेजी से जब मेट्रो सड़कों पर जब दौड़ाएंगे तो इस तरह के हादसे होंगे, यानी एक सवारी के लिए एक सवारी को ये सोचा जाता है कि मैं सवारी पहले बिठा लूं, दूसरा सोचता मैं सवारी पहले बिठा लूं, तो इसी के चलते इस तरह के हादसे पेश आते हैं और जिससे अपने साथ दूसरों की जान को भी ये जिंदगी को खतरे में डालते हैं। और देखिए ये इस समय जो क्रेन है ये से ले जाते हुए, क्रेन गाड़ी जो है इस मेट्रो रोड को उठाते हुए, और शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा होते होते बचा, यानी कि एक्सीडेंट तो हुआ है पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी जनता जो भी समय देख रही है, इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए कि जब भी आप लोग भी कहीं ना कहीं मेट्रो रोड में सवार होते होंगे किस तरह की इनकी गति रहती है। ये भी हम सबको तो नहीं कह रहे पर कई बार हमने भी देखा है, और कई बार तो लोग चलते स्कूटी या मोटरसाइकिल टू व्हीलर पे होते मेट्रो उनके भी साथ साथ छूते हुए निकलते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते होते बचता है। इस समय के दृश्य आपको जो हम बता रहे हैं, और काफी देर से पीछे जो है ट्रैफिक जाम था, आप देखिए इसी एक्सीडेंट की वजह से। और रोड पर अगर देखें तो वो पूरी तरह से कांच जो है वो आगे, और कांच जो यहाँ पर पूरी तरह से बिखरा हुआ रोड पर ही आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये और एक बड़ा हादसा हुआ जरूर है पर शुक्र है ऊपर वाले का, हम बार बार ये कह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये देखिए काफी देर से पीछे ट्रैफिक जाम भी, आप ट्रैफिक विभाग के जो ट्रैफिक कर्मचारी और साथ साथ पुलिस है आकर जो ट्रैफिक को यहाँ पर क्लियर करते हुए आपको साफ तौर पर दिख रहे हैं। और इस समय देखिए ट्रैफिक की अंदर की हालात है, और हम देखिए देखिए किस कदर से क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, एक मेट्रो रोड को फिलहाल ले जाया गया और दूसरी मेट्रो रोड यहीं पर, और आप देखिए आगे की जो बाड़ी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये शीशे की अगर देख रहे हैं आप, ये भी देख सकते हैं। शुक्र है ड्राइवर फिलहाल ड्राइवी को कोई गंभीर तरह से चोटें नहीं आई, माइनर चोटें आई है। फिलहाल ये कहेंगे कि एक और देखिए पूरी तरह से इसको भी ले जाता हो जाता।
और देखिए हम ये मेट्रो का फिर से बताएंगे कि शुक्र है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सवारियों को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आप तो जानते हैं सुबह सवेरे का टाइम है, लोग जो कि सवारियां बैठी होती है अपने काम काज की ओर जाती हैं, लोग अपने काम काजों को दौड़ते हैं, और इस समय के ये दृश्य है, देखिए किस तरह से मेट्रो रोड को लिफ्ट किया जाएगा यहाँ से। और ये मेट्रो रोड की हालात आप देखिए, जो और आप देखिए इस समय ट्रैफिक विभाग और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ तुरंत पहुंची है, उन्होंने एक मेट्रो रोड तो फिलहाल निकाला है, और ये दूसरी जो मेट्रो रोड और दूसरी मेट्रो रोड तो यहाँ से चलेगी, पर एक जो मेट्रो रोड है देखिए किस कदर आगे से जो पोर्शन है क्षतिग्रस्त हुआ है, JK02A S1363। और इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल दृश्य जो बिल्कुल ये धर्मेंद्र चौहान जी पूछ रहे हैं आप, ये रिहाड़ी चुंगी का जो एरिया है, जो रोड है, ये रिहाड़ी चुंगी की ओर जो जानीपुर की ओर जाता है, ये वहीं का एरिया है, वही बता रहे हैं। आपने देखा बिल्कुल जो रोड के ऊपर, जो शकुंतला से जब हम ऊपर की ओर रोड को आते हैं, रोड पकड़ते हैं, रिहाड़ी चुंगी का वहीं का रोड है, और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक गाड़ी भी आई है लिफ्ट करने के लिए इसे, और ये वहीं का रोड है। तो कई बार लोग भी, हमारी जनता भी हमें शिकायत करते हैं कि जब भी मेट्रो रोड ड्राइवर वाले बड़ी तेजी से ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसे अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, और ट्रैफिक जो हमारी कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां से ट्रैफिक को क्लियर करते हुए, यहां पर ये क्लियर रोड करते हुए, और इस तरह के पहली बार नहीं, कई बार ऐसे हादसा होते हैं, लोग भी हमें शिकायतें कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक यानी कि ड्राइवर, मेट्रो ड्राइवर बड़ी तेजी से, तीव्र गति से मेट्रो रोड निकालते हैं, और सवारियों के चक्कर में, यानी एक ये सोचता कि पहले मैं सवारी उठा लूँ, दूसरा ये सोचता मैं पहले सवारी उठा लूँ, उसी के चलते ये लोग इस तरह के हादसे पेश आते हैं। यहाँ पे सर लगी तो नहीं किसी को? सर नहीं, लेडीज को लगी है, थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल जख्मी है, माइनर माइनर। हुआ क्या था सर? दोनों ये तेज आ रहे थे, आपस में दोनों को टक्कर हो गई। मोस्टली लोग शिकायत भी करते हैं कि मेट्रो ड्राइवर बड़ी तेजी से मेट्रो चलते हैं, ये आदमी चलते हैं, कई बार चालान भी आप लोग करते हैं, डेली करते हैं चालान, यानी कि मेट्रो क्षतिग्रस्त, पर किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं? नहीं नहीं, इतनी ज्यादा। अहमद सर इस समय हमारे साथ है जो यहाँ ड्यूटी पड़ता है, इन्होंने कहा बड़ी तेजी से मेट्रो आई, जिन दोनों मेट्रो रोड की टक्कर हुई, और उसी के चलते इस तरह का हादसा पेश आया है। और मेट्रो रोड ड्राइवर भी कई बार जनता हमें शिकायत करती है कि बड़ी तेजी से ये सवारियों के लालच के चक्कर में अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। हम ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से भी ये निवेदन करेंगे, इनकी इस पर भी नजर रखी जाए कि काफी बार ऐसा होता है, लोग हमें शिकायतें करते हैं, और वो भी आज देखिए सामने, आपके सामने है कि कितनी सवारियों की जिंदगी को खतरे में डाला था, और कितनी तीव्र गति से होगी मेट्रो रोड, किस तरह से क्षतिग्रस्त, पूरा आगे का बम्पर आप देख रहे हैं किस कदर पूरा चकनाचूर हो चुका है। ये अभी तक की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल एक बड़ा हादसा तो हुआ, पर बाल बाल जो सवारियां और ड्राइवर बचे हैं। एक मेट्रो, दूसरी मेट्रो सर कहाँ है? वो भी पुलिस स्टेशन, वो भी पुलिस स्टेशन में लेगी। कितना हादसा? और एक गाड़ी को, एक मेट्रो को पहले ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया, अब दूसरी को भी लिफ्ट करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से रैश ड्राइविंग करने पर बड़े हादसे हो सकते हैं, और दूसरों की जानों को भी हम खतरे में नहीं डाल सकते, इसके चलते पुलिस विभाग और ट्रैफिक पुलिस लगातार इसके लिए कई बार अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी है, जिंदगी आपके, आपने सुरक्षा भी आपके हाथ में है, पुलिस या ट्रैफिक पुलिस कितना आप लोगों का यानी कि अवेयर करेगी, आपको ये चीजें खुद समझनी होगी। महज 10 या 5 रुपए की सवारी के लिए, माना कि हर एक की रोजी रोटी, पर उसके चलते आप दूसरों की जान को खतरे में डालें, कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इस समय आपने देखा एक गाड़ी को पहले पुलिस स्टेशन मेट्रो रोड को ले जाया गया, और दूसरी जो मेट्रो रोड है इसे भी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से,
और इस गाड़ी को भी अब इस मेटाडोर की भी लिफ्ट किया गया। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये मैं अब मेटाडोर को ले जाते हुए ये देखिए अब ट्रैफिक भी फिलहाल पूरी तरह से अब खोल दी गई है, क्योंकि काफी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जैम था और लोग काफी देर से इस जैम में फंसे हुए थे। पर भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है, पर जब आगे थोड़ा सा आकर देखा और जब आगे आकर देखा तो ये यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि बाल बाल बचे हैं। और ये समय के दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से तस्वीरों में। हमने आपको पूरी विजुअल बताया इस समय रिहाड़ी चुंगे के, जहां पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ दो मेट्रोरों के बीच में। तेज गति से दोनों मेट्रोरें आ रही थी, पर शुक्र है भगवान का एक महिला को थोड़ी चोटें आई। फिलहाल वो उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को, खासकर मेट्रोरों को, दोनों को सीज किया। पर आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर के, जब भी आप सड़कों पर उतरते हैं मेट्रोर किस कदर तीव्र गति से तेज रफ्तार से चलती है कि अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी जोखिम में डालना सही नहीं है। इस पर ट्रैफिक विभाग ने शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि अब तो हाई डेफिनेशन कैमराज भी लगे हैं और जो भी दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।